हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडी लर्निंग बाय निशा। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। जी हाँ, नई जॉब वैकेंसीज रिलीज की गई हैं AEES द्वारा, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा। हाल ही में 205 नई वैकेंसीज को रिलीज किया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। और जैसे कि आप जानते हैं, बहुत लंबे समय से कोई वैकेंसी जो है वो नहीं आई है, तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी काम करना चाहते हैं, आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, तो आप सभी के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी कर दिया गया है। ये फॉर्म का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23 मई यानी कल से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 12 जून। 12 जून तक आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये AEES है क्या, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो है, इनके 15 जगह पर यानी 15 सेंटर्स है जहाँ पर इनके लगभग 30 के करीब स्कूल रन कर रहे हैं और जूनियर कॉलेजेस चल रहे हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, इन अलग अलग स्टेट में जो है वो इनके जूनियर जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स वो रन कर रहे हैं इन सोसाइटी द्वारा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि 205 नई वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। पीजीटी पोस्ट के लिए बात करें तो इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के लिए पीजीटी पे वैकेंसी रिलीज की गई है। टीजीटी के लिए बात करें, इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया, आर्ट हो गया, PET मेल फीमेल, ठीक है। एंड इसके अलावा लाइब्रेरियन हो गया, PRT जनरल, PRT म्यूजिक एंड प्रिपरेटरी, इन सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन का चलेगा जो KVS द्वारा रिलीज किया गया है। जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। इसके अलावा आपने BEd करी हो, लेकिन उन्होंने BEd के अलावा एक और ऑप्शन दिया है BSc Ed, तो जो लोग BSc Ed है वाले हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीजीटी में आप जो भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड आपका BEd या फिर BSc Ed होना चाहिए, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपका BEd होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, BEd होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सीटेट जो 2 है, ठीक है, सीटेट 2 वाला जो 2 है उन वो इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए अगर TGT इंग्लिश है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, इसके अलावा BEd होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने इंग्लिश 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर TGT इंग्लिश। TGT सोशल साइंस की बात करें, अगेन आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, BEd होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए उस सब्जेक्ट में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, आपके 2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन में या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, एंड इसमें भी कंडीशन है जो कंडीशन KVS में आती है कि आपका कम से कम एक सब्जेक्ट इनमें से कंपलसरी, यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से, यानी अगर आप TGT SST के लिए जाना चाहते हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, या तो हिस्ट्री होना चाहिए या तो ज्योग्राफी होना चाहिए, बट इसके साथ आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चला जाएगा, यानी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री के साथ अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी तो आप एलिजिबल है, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी इसके अलावा आपका जो कॉम्बिनेशन पढ़े तो आप एलिजिबल है।
बात करें टीजीटीज हिंदी या संस्कृत के लिए, तो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल के अंदर हिंदी और संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स या फिर यहाँ पर उन्होंने फिजिक्स की बात करें तो बोला है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ा हो तब आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है। टीजीटी केमिस्ट्री या बायो की बात करें तो आपका केमिस्ट्री यहाँ पर कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन बॉटनी या जूलॉजी में से अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ज़रा, यानी आपको ध्यान रखना ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट्स इन्होंने कॉम्बिनेशन दे रखे हैं वो देखिएगा। आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए सीटेट उस पर्टिकुलर पेपर 2 में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो वही बेसिक है कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मोड में पढ़ाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन थी, और बाकी पीआरटी की क्वालिफिकेशन आप जानती हैं, लाइब्रेरियन की जानती हैं। इसके अलावा इसका इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें एज लिमिट की, कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 12th June, यानी लास्ट डेट है 12 जून। 12 जून तक आपके मैक्सिमम एज पीजीटी पोस्ट के लिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल है। टीजीटी के लिए 35 ईयर्स और प्राइमरी टीचर के लिए है 30 ईयर्स एज। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन कितना रखा गया है, तो जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, जितने भी वेमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अगर वो उनमें से किसी भी पोस्ट में, चाहे वो पीआरटी हो टीजीटी पीजीटी किसी भी पोस्ट पर आना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 साल का, यानी एम्प्लॉयज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन सभी पोस्ट में रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस टाइम पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको आपके वो स्कैन फॉर्म में अपलोड होंगे, आपने यहाँ पर इनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपने मोबाइल से डायरेक्ट फोटो खींच के नहीं अपलोड करनी है, प्रॉपर स्कैनर से यानी प्रॉपर तरीके से आपने स्कैन करके उसको अपलोड करना है। तो अपलोड करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, रीसेंट का आपका जो लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ है आपने वो अपलोड करना है। अगर आपका कोई रिजर्वेशन है, आप एससी एसटी ओबीसी या फिर जो भी आप रिजर्वेशन ले रहे हैं उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने अपलोडेड करने हैं। एनओसी अगर आप कहीं और वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट्स आपने अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन की बात करें, अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उस केस में आपको ग्रेजुएशन के सब अगर आपका सेमेस्टर वाइज है या फिर आपने ईयर वाइज किया है, तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज आपकी सभी साल की मार्कशीट अपलोड होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड होगी। अगर डिग्री नहीं है तो अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, तो सेमेस्टर या ईयर वाइज आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके अलावा आपको डिग्री नहीं है तो जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपने वो अपलोड करना है। एंड ऑब्वियसली बीएड तो चाहिए, तो बीएड में आपने जो आपकी मार्कशीट है और आपकी डिग्री है वो सब आपने अपलोड करने हैं। यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने इन सभी डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करना है। अब बात करते हैं इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। 750 रुपीज़, 750 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन फ़ी एग्जेम्पशन है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी हैं, एक्स सर्विस मैन हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो इन सभी लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, बहुत सुनहरा मौका है, फ़ीस भी नहीं है। आप जाइए और जल्दी से जाके इसको फिल करिए। आप नौकरी का बहुत अच्छा है, वैसे भी बहुत लंबे टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इस मौके को जाने मत दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये किस मोड पे आपको सिलेक्ट करेंगे। तो 2 मोड रहेंगे यहाँ पर। पहला है सीबीटी मोड, यानी आपका एक नॉर्मल टेस्ट होगा। सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसमें मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको फिर बाद में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में वो आपसे कुछ नहीं करेंगे, चॉक एंड बोर्ड मेथड का यूज़ करके आपसे टीचिंग स्किल कराएंगे, आपसे पढ़वा कर देखेंगे।
यानी ओवर ऑल ओवर जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं ना, तो डेमो टीचिंग होती है, उस तरीके से डेमो टीचिंग आपके स्किल टेस्ट में की जाएगी। तो दोनों में, यानी आपने अपने सीबीटी में, सीबीटी तो एक तरीके से क्वालिफाइड नेचर का है, अगर आपने मिनिमम क्राइटेरिया को पास कर लिया फिर आपको स्किल टेस्ट बुलाया जाएगा, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपको दोनों मार्क्स को मिलाकर ही होगा। तो दोनों मार्क्स में आपने, दोनों में आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे जो है वो आपको फाइनल जो जो भी आपका लेटर आता है, कॉल लेटर आता है या फिर आप अपॉइंट हो जाते हैं, तो वो उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा पीजीटी की। अगर हम बात करें, देखिए पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, लाइब्रेरियन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए जो इन्होंने जो पैटर्न रखा है वो सेम रखा है, बट क्वेश्चन का लेवल अलग है। ठीक है, यानी जो क्राइटेरियाज है वो सेम है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अलग रहेगा। जैसे पीजीटी के लिए बात करें तो पीजीटी पोस्ट में टोटल 100 एमसीक्यू आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इस तरीके से पीजीटी में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जीके पूछी जाएगी, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, टीचिंग मैथडोलॉजी हो गया, एंड साथ में पीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कुल मिला के और जो लेवल रहेगा क्वेश्चन पेपर का, जो लेवल रहेगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा सब्जेक्ट कंसर्न में। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड 2.5 घंटे में आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है, एंड इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो टीजीटी के केस में क्या होगा, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, प्राइमरी के लिए है तो वो 12th लेवल तक का लेवल होगा, बाकी पैरामीटर्स जो हैं जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्ट कंसर्न वो सब में सेम है, बट क्वेश्चंस का लेवल वहां पे चेंज हो जाएगा जैसे ही पोस्ट आपकी बदल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो सीबीटी मोड का एग्जाम होगा ये कहां पर होगा, आपने एग्जाम देने कहां जाना, आपका स्किल टेस्ट कहां पर होगा। तो सीबीटी मोड के लिए जो वेन्यू रहेगा, आप इनमें से कहीं पर भी सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, आप ये आपकी चॉइस है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बैंगलोर हो गया आपका, और फिर यहाँ पर आपका लखनऊ हो गया। तो इनमें से जो भी आप सेंटर ऑप्ट करना चाहते हैं सीबीटी के लिए कर सकते हैं, और सीबीटी में जैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे आपको बाद में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन स्किल टेस्ट जो है वो इनका, इनके जो इनका जो मेन सेंट्रल ऑफिस है मुंबई में, इनका जो सेंट्रल ऑफिस है अनुशक्ति नगर मुंबई में, वहां पर ही होगा। ठीक है, यानी सीबीटी के लिए आप अपना वेन्यू चूज कर सकते हैं, सेंटर चूज कर सकते हैं, बट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो अब आपको मुंबई अप्रोच करना पड़ेगा। तो ओवरऑल दोनों के ही बेसिस पे, यानी सीबीटी और स्किल टेस्ट के बेसिस पे ही आपको फर्दर आपका सिलेक्शन होगा और आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो आई होप जितनी भी क्वेरीज थी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मैंने इस वीडियो में कवर करी, फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो इस मौके को जाने मत दीजिए, ज़रूर करिए। ऑलरेडी आप KVS की तैयारी करें, KV में भी ऑल ओवर पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये मौका बहुत अच्छा है, इसको जाने मत दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।